अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट का जो है वो शफल। तो ये आप बहुत यूनिक है, बहुत जबरदस्त है, आपने पहले नहीं खाया होगा। इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आप बहुत लाइक करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप कर लेते हैं, इसको बिल्कुल हमने थिक कर लेना है। मैं आपको बता दूं इसकी क्वांटिटी, मैंने 1.5 कप ली जो वो क्रीम ली है व्हिपिंग क्रीम, और 1.5 कप के करीब मैंने चॉकलेट लिया है। और ये मेरे पास है ओरियो बिस्किट्स के ये क्रम्स, ये हम इसमें यूज करेंगे और इसको हम व्हिप कर लें उतनी देर में। अरे जी, व्हिप करते करते साथ हम चॉकलेट को जो है मेल्ट कर लेंगे। ये हम माइक्रो में भी कर सकते हैं और गर्म पानी रख के उसमें भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो हम इसमें पैन में भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको मेल्ट कर लें। इसको व्हिप हम तब तक करेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। इसको 3-4 मिनट लगेंगे, तो हम इसको प्रॉपरली करके आपको दिखाते हैं। देखिए जी, व्हिपिंग क्रीम हमारी तकरीबन रेडी होने वाली है। अब हम इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। और दूसरी साइड पे जो है मैं चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए छोड़ा हुआ है जी। तो हमारी क्रीम जो है हम बंद कर देते हैं, वो माशाल्लाह से ये देखें ये पहुंच चुकी। तो दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चॉकलेट मेल्ट हो रही है, देखे जी। मैंने नीचे थोड़ा सा पानी लेके ऊपर जो है वो मैंने चॉकलेट रख दिया है, और ये मेल्ट होके चॉकलेट जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट में मेल्ट हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे जी। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी, इसमें से हम थोड़ी सी चॉकलेट लेंगे इधर दूसरे बाउल में, और उसमें हम क्रीम के साथ इसको हम करेंगे दोबारा से व्हिप जी। तो एक बाउल में मैंने जो है थोड़ी सी क्रीम निकाली, तकरीबन आधी लगा लें, और इसके अंदर चॉकलेट डाल के मैंने 2 टेबलस्पून, तो इसको मैं व्हिप कर लूंगी। इसको मैं प्रॉपरली व्हिप कर लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये देखे जी व्हिप हो गई। अब हम इसको पॉलिथीन बैग में डालेंगे और फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये क्रीम हमारी व्हिप हो गई, व्हिप। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम हम बाद में करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे ओरियो बिस्किट्स की लेयर डालेंगे, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो हमने चॉकलेट के साथ अपना ये क्रीम को मेल्ट किया था, इसको हम करेंगे। ये सारी क्रीम हम इसके ऊपर डाल देते हैं, ये सारी मैं डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो देखें, ये मैंने सारी जो चॉकलेट के साथ जो मैंने मिक्स की थी, व्हिप की थी क्रीम, वो मैंने इस तरह से वो डाल दी। इसको हम प्रॉपरली जो है वो इक्वल कर लेंगे हर साइडों से। अब इसके ऊपर हम जो है अपनी मेल्टेड चॉकलेट वो डालते जाएंगे, इसकी एक लेयर बनाऊं, ये मैं कर लूं इसको। ये देखिए, इस तरह से हम चॉकलेट की भी एक लेयर लगा देंगे। ये बहुत मज़े का जो आपका ट्रफल बनेगा, बच्चे बहुत लाइक करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए जी, एक साइड पे और हम इसकी चॉकलेट की लेयर लगा देते हैं, ताकि ये हर साइड से इक्वली ये इस तरह से मैं सारा इसको ये देखे कर लिया। अब इसके ऊपर हम अपनी जो व्हिपिंग क्रीम है विदाउट चॉकलेट वो डालेंगे। इसको पहले मैं क्लियर कर लूँ, फिर हम उसके ऊपर क्रीम डालते हैं जी। तो इसके ऊपर हम अपनी व्हाइट क्रीम डालते हैं, ये सारी डाल लें फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, हमने व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर डाल दी, इसको भी हम सारी साइडों से बैलेंस कर लेंगे इसका, और इस तरह से ये देखें
अब जो हमारे पास ओरियो बिस्किट और हैं उनको भी हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे सारी साइडों पे। फिर थोड़ी सी क्रीम हमने बचाई है और थोड़ी सी चॉकलेट बचाई है, उसको भी हम एक इनके अंदर, ये देखें ये थोड़ी सी क्रीम बची है तो साथ ये चॉकलेट बची है, तो ये चॉकलेट और क्रीम हम इसके अंदर डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे जी। अब इस ये देखें मैंने चॉकलेट और क्रीम इसके अंदर डाल दी, अब हम ऐसे ही इसको हाथ से विप कर लेंगे। मैं कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो अपनी सारी दूसरी क्रीम जो है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे अगेन, इस तरह से सारी मैं डाल लूँ जी। तो अब हम इसको भी इस तरह से इक्वल कर देते हैं सारी साइडों से जी। तो अब हम ये सारी साइडों पे हमने इसको लगा लिया, अब हम इसको साफ कर लेंगे ताकि किसी साइड से गंदा नहीं रहे। अब अगेन इसके ऊपर जो है हम डालेंगे ओरियो बिस्किट्स। आप यकीन करें ये बना के आप बच्चों को खिलाएं, आपके बच्चे बहुत लाइक करेंगे, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इस तरह से आप इसको सारा सजा दें और अपने बच्चों को ये खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा, बनाकर आप मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पसंद आया ट्रफल या नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह।